तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं, भारत में रह करके यहाँ के मुस्लिम धर्म गुरु तालिबान का समर्थन करने का मतलब है कि देश के गद्दार हैं और इन्हें देशद्रोह के ऊपर मुकदमा कायम करके इनको जेल में डालना चाहिए। यह कार्य इस देश को मान्यता देनी है नहीं देनी है, यह कार्य भारत सरकार का है, हमारी सरकार है, वह उस विषय में बात चलती रहती है, बात करते रहते हैं। आप मुस्लिम धर्म गुरु हैं, आप अपना काम करिए। यहाँ पे आप तालिबानी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं, ये अनुचित है और यह देशद्रोह में ही आता है। जितने भी ऐसे लोग हैं उन पे कानूनी कार्रवाई होना अति आवश्यक है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ वहाँ ATS की एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है, जहाँ पे ATS के लोग रहेंगे, वो इस बात का ध्यान देंगे यदि कोई व्यक्ति देश के खिलाफ कार्रवाई करता है, देश के खिलाफ कोई खंडन करता है तो उसका सिर कुचल देना चाहिए। यह जो निर्णय हुआ है वह स्वागत योग्य है, क्योंकि कुछ ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु यहाँ हो गए हैं जो अपना काम न करके आतंकवादियों को पनाह देना, आतंकवादियों का समर्थन करना, ये उनका कार्य हो गया है। एक मनोहर राणा जी हैं, वो तो लगता है कि अब भारत के खिलाफ ऐसे ऐसे जहर उगल रहे हैं कि लगता है कि उन्हें वो भारतीय संविधान पे, भारतीय लोगों पे उनका भरोसा उठ गया है और वो भी तालिबानी समर्थन कर रहे हैं। तो आप चले जाओ तालिबान, हम कहाँ मना करते हैं, आप जाइए वहाँ देखिए ना, हमारी आपके मुस्लिम जितनी माताएँ बहनें हैं उनके साथ इतना अत्याचार होता है। भारत में रहने वाली जो मुस्लिम हमारी माताएं बहनें हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि आप जो तालिबानी सरकार का या तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं उन मुस्लिम धर्म गुरुओं के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करिए आप लोग, क्योंकि ये आपके साथ जो अन्याय होगा। ऐसे लोग भारत में रह करके भारतीय संविधान के दायरे में रह करके कोई बयान देना चाहिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि वहाँ फंसे भारतीयों को लाने की सरकार पूरी योजना बना रही है, कुछ आ भी रहे हैं, जो बाकी वो भी आ जाएंगे, सकुशल आ जाएंगे। यह कार्य भारत सरकार का है, यह कार्य मुस्लिम धर्म गुरुओं का नहीं है कि देश को मान्यता देना चाहिए। तो हम एक बार पुनः मांग करते हैं केंद्र सरकार से, जो भी ऐसे मुस्लिम धर्म गुरु हैं उन्हें कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, ताकि दूसरा कोई मुस्लिम धर्म गुरु आगे चल करके देशद्रोह का काम न करे। और हम एक बार फिर इनसे कहता हूँ चेतावनी पूर्वक, जितने ये मुस्लिम धर्म गुरु तालिबानी के लोगों का समर्थन कर रहे हैं, आप भारत छोड़ करके तालिबान चले जाइए, तब पता लगेगा आपको कि हम क्या गलती की है।